नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू, बताने जा रही हूँ जय माता दी। दोस्तों, आप सभी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएं। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अपनी असफलताओं के लिए भाग्य को दोष देते हैं। कुछ भी हो, इन्हें सिर्फ अपने भाग्य पर ही रोना आता है। अगर आप भी यही समझते हैं कि आपकी भाग्य आपका साथ नहीं दे रही है, तो आज हम आपको रोटी का एक ऐसा छोटा अचूक उपाय बता रहे हैं जिसे रोज करने से आपकी भाग्य चमक सकता है। इस उपाय के बारे में जानने के लिए हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से अपनी किस्मत चमका सकते हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, कि हम उनके सामने जाएं तो वो हमारा सम्मान करें। सुबह घर में भोजन बने तो पहली रोटी अलग निकाल लें। ये रोटी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि आसानी से इसके चार टुकड़े हो सकें। आप इसके चार टुकड़े कर लीजिए, रोटी बनाइए सुबह सुबह। आटा बिल्कुल आप फ्रेश ही बना लगाया करिए। अब इस रोटी के बराबरी से चार टुकड़े कर लें और इन चारों पर कुछ मीठा जैसे गुड़ या शक्कर रख दें। तो आप जैसे इन गुड़ और शक्कर रख सकते हैं इन रोटी के ऊपर। चार टुकड़े हैं जो मैंने आपको बताया, उसमें ये दोस्तों रख लीजिए। रोटी के चार टुकड़ों में से सबसे पहला टुकड़ा गाय को खिला दें और कठिनाइयों के निदान के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरे घर में जो कठिनाइयाँ चल रही हैं उन्हें दूर करें और मुझे सफलताएं दें। ग्रंथों के अनुसार गाय में ही सभी 88,000 देवताओं का निवास है, इसीलिए सबसे पहली रोटी गाय को ही दी जाती है, क्योंकि गाय हमारी माता है। इसका आप दूध पीजिए तो आपको हमेशा ही ऊर्जावान बने रहेंगे। रोटी का दूसरा टुकड़ा कुत्ते को खिला दें, इससे यमराज खुश होते हैं। इसे कूकर बली कहते हैं। आपको रास्ते में कोई कुत्ता दिखाई दे तो उसके लिए भी रोटी ले जाएं और उसे भी खिला दें। जो तीसरा टुकड़ा जो है रोटी का, उसे कौवे को खिला दें, इससे आपके जो प्रतर हैं वो खुश होते हैं। धर्म ग्रंथों में इसे काक बली कहा गया है कि आपने एक कौवे को जो आप खिला रहे हैं तो इसे काक बली कहते हैं। दोस्तों, तो उसे मन से श्रद्धा से खिलाइए। रोटी का अंतिम टुकड़ा भिखारी को दे दें। ये उपाय रोज करने से आपका भाग चमक सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो रोटी के टुकड़े ना करके आप साबुत रोटी भी दे सकते हैं। भिखारी को आप साबुत रोटी दे दीजिए। साबुत रोटी में घी मिला लीजिए और चीनी मिलाकर और गुड़ मिलाकर दे दीजिए उसे, तो उससे वो आपको धुआं भी देगा और आपकी भाग्य भी चमक सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मैं आपसे ऐसे ही जुड़ी रहूँगी।